माई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड बज में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम आपको रूबरू करवाते हैं उन खबरों से जो इन दिनों बज का कारण बनी होती है। दरअसल हर कोई जानता है कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान भले ही एक फिल्म करते हो मगर उस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से रहता है। वो फिल्म ऐसी सुपर डुपर हिट होती है, उस फिल्म के अगर कंटेंट की बात की जाए तो वो बेहद ज्यादा जबरदस्त भी होता है। इन दिनों देखा जा रहा है कि आमिर खान काफी ज्यादा ही सोशल कॉज करते भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में आमिर खान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे जान के उनके फैंस के मन में उनके लिए और ज्यादा इज्जत हो गई है। दरअसल आपको फिल्म दंगल तो याद ही होगी। इस फिल्म में जिस तरह से आमिर खान काफी जबरदस्त रोल निभाते दिखे तो वहीं फिल्म दंगल के म्यूजिक इंजीनियर की तबीयत अचानक खराब हो गई, जहां पे इमरजेंसी में आमिर खान ने उनकी इतनी मदद की कि आप उनकी दरिया दिली जान के आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, ये कहना गलत नहीं है। वाकई ही बॉलीवुड में कुछ ऐसे सितारे हैं जो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। आमिर की बात करें जो हाल ही में एक नया एग्जाम्पल के तौर पे सामने आए हैं, ऐसे में बॉलीवुड के दबंग खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हर बारी हर किसी की मदद के लिए सबसे आगे आते हैं। अब आप देखेंगे कि उनकी राह पर भी आमिर खान चलना शुरू हो गए हैं। क्या कुछ खास है, किसकी मदद की है, क्या कुछ हो गया था, आप जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। जी हाँ, आमिर खान भले ही कम फिल्में करते हैं मगर ये उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो जितनी भी फिल्में करते हैं वो फिल्में सुपर डुपर हिट। जी हाँ, आमिर खान देखा जा रहा है कि इन दिनों सोशल कॉज को लेकर काफी ज्यादा ही एक्टिव होते भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आमिर ने रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से फैंस की नजरों में वो एक सच्चे हीरो बन चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म दंगल तो आप हर किसी ने देखी ही होगी। जी हाँ, जो फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई, तो वही उस फिल्म दंगल में साउंड इंजीनियर शाहिद कोरिया को पैरालिसिस का दौरा पड़ा। ना सिर्फ अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया बल्कि उनका सारा खर्चा भी आमिर खान ने ही उठाया। जी हाँ, आमिर खान के इस सहनीय काम के बाद फैंस ने ट्वीट कर उनकी जमकर तारीफ की। फैंस ने उन्हें इतना सपोर्ट किया कि वो ट्विटर हैंडल करने लगे। आपको बता दें कि शाजिद को पैरालाइज का दौरा पड़ा था तो उसे आपातकालीन में एडमिट कराया गया, पर काफी देर तक जब डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पाए तो ऐसे में उनके परिवार ने आमिर खान से मदद मांगी। आमिर खान तक जैसे ही ये बात पहुंची तो वो देर रात अस्पताल पहुंचे। वहां पर कोकिला बेन अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। कई घंटे वो खुद वहां डॉक्टर के संपर्क में रहे। आमिर के इस कदम से साउंड इंजीनियर राशिद कोरिया की जान भी बच गई। जी हाँ, यकीनन ही आमिर खान ने ये जो काम किया है वो वाकई ही काबिलियत तारीफ है। आप ट्वीट्स पढ़ सकते हैं जिस तरह से फैंस जो है आमिर खान को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तमाम तरह के चाहने वाले जो है वो उन्हें अवार्ड विनिंग भी कह रहे हैं। जी हाँ, जब एक खबर सामने आई तब हर कोई हैरान रह गया कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान जो काफी ही कम फिल्में भले ही करते हो मगर सोशल कॉज को लेकर वो काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ऐसे में आमिर खान का ये कदम वाकई ही फैंस के मन में उनके लिए और इज्जत को बढ़ा चुका है। जहां पर अक्सर ही देखा जाता है कि बॉलीवुड के सितारे जो हैं तमाम बारी तमाम लोगों की मदद करते हैं मगर कई बारी सितारे भी मदद करने से पीछे छूट जाते हैं। अगर यहां पर बात करें जहां पर अक्सर ही सितारों की मदद की बात आ रही है तो यहां पर सबसे पहला नाम आता है सलमान खान का। जी हाँ, बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान अक्सर ही देखा गया है कि
जरूरतमंद लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। सलमान खान हमेशा आगे आते हैं और जितना उनसे होता है वो मदद भी करते हैं। तो वहीं ऐसे में इसी राह पर अब उतर चुके हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी, जहां पर आमिर खान ने साउंड इंजीनियर की जान बचाई, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं उनका इलाज नहीं कर रहे थे। ऐसे में एक बड़े सितारे का वहां पहुंचना कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक काफी बड़ी चीज है। ऐसे में फैंस का उन्हें कुछ इस अंदाज में जो ट्वीट आ रहा है, जिस अंदाज में फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो भी वाकई ही काबिलियत तारीफ है। आपको बता दें कि आमिर खान इन दिनों थग्स ऑफ हिंदुस्तान की फिल्म में भी दिखने वाले हैं, जिस फिल्म में आमिर का अंदाज बेहद ही अनोखा भी दिखाई देगा। ये देखा गया है कि आमिर जो है ज्यादा फिल्में नहीं करते, मगर साल में एक आधी फिल्म आमिर करते हैं और वो फिल्म कुछ ऐसा धमाल लेकर आती है कि फैंस भी इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी है, आमिर खान भी है, जो हर काम बेहद ही बखूबी और एकदम परफेक्शनिस्ट से करते हैं। तो ऐसे में वो जिंदगी में उनकी मदद करने से भी पीछे नहीं छूटे, जिंदगी में मदद करने में वो आगे रहे और उन्होंने बेहद ही शानदार काम भी किया। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा बॉलीवुड बज में जहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लेकर, उनकी सारी फिल्में, गजनी की बात की जाए, दंगल की बात की जाए, तो ये फिल्में ऐसी फिल्में हैं जिनकी छवि आज भी फैंस के दिल में है। यकीनन उनकी फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से करते हैं और वो इंतजार बेहद ही जल्द खत्म भी होने वाला है, क्योंकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर बेहद ही अनोखे अंदाज में आप सभी को दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपने जाना कि आखिरकार किस इंसान की मदद आमिर खान ने की, यानी कि जो दरिया दिली की हम बात कर रहे थे, वाकई ही आमिर खान का दिल काफी बड़ा है। वो कोई भी काम करते हैं तो परफेक्ट तरीके से करते हैं। ऐसे में आपने जाना कि फिल्म दंगल के म्यूजिक इंजीनियर जो थे उनको अचानक से ही पैरालिटिकल अटैक आया था, जिसके बाद से उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर डॉक्टर्स जो थे इलाज करने से मना करने लगे। कहीं आर्थिक तंगी भी थी, तो इतने में साथ बने, या फिर यूं कहे कि एक मसीहा बन के सामने आए आमिर खान, जिन्होंने पूरा खर्चा भी उठाया, उन्हें फौरन ही अच्छे अस्पताल में एडमिट कराया। अब उनकी तबीयत खतरे से बाहर है। फैंस ने खुद ट्वीट किया है और साथ ही साथ जहां पर आमिर को तमाम तरह की उनके लिए इज्जत भी बढ़ गई है। आपने तमाम ट्वीट देखे होंगे जो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाए, जहां पर फैंस आमिर की इस दरिया दिली को लेकर उन्हें तमाम अप्रिशिएशन भी कर रहे हैं। वाकई ही काबिलियत तारीफ है, क्योंकि अगर आपके पास उतना पैसा है, यानी कि अगर आप में क्षमता है किसी की मदद करने पे, अगर आप वो मदद करेंगे तो कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। यकीनन अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं और अगर आपने कदम पीछे कर ले तो आपसे बुरा इंसान शायद ही कोई होगा। ऐसे में आमिर ने साबित किया कि जो वो कर सकते थे, जो उनके अगर वो अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी दरिया दिली जरूर दिखाई। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।